आज गणेश चतुर्थी है। आज भगवान श्री गणेश जी हमारे घर पधारे हैं, हमारे घर में वास करते हैं। पारंपरिक रूप से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम सब अपने अपने घरों में भगवान गणपति जी की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा सहित पूजा करते हैं। भगवान गणेश प्रथम देवता हैं। भगवान गणेश जी सभी विघ्नों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता हैं। इसीलिए हर कार्य को आरंभ करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। पूरे देश में भगवान गणेश जी की अलग अलग स्वरूपों में पूजा की जाती है। मैं चाहता हूं कि आज आप सभी अपने बच्चों को भारत में गणेश चतुर्थी उत्सव के गौरवशाली इतिहास के बारे में जरूर बताएं। ब्रिटिश काल में लोग किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठे होकर नहीं मना सकते थे, इसलिए लोग घरों में पूजा किया करते थे। लोकमान्य तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया। आगे चल के उनकी वो कोशिश एक आंदोलन बनी और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गणेशोत्सव ने लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। एक तरह से गणेश चतुर्थी ने देश के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, लोगों में देशभक्ति जगाने का काम किया, ताकि वो एक साथ आकर भगवान की पूजा करें और देश के लिए मिलकर लड़ें। हम सभी को अपने बच्चों में आध्यात्मिकता और देशभक्ति के इस मिश्रण को विकसित करना चाहिए। हम सभी को अपने बच्चों में आध्यात्मिकता और देशभक्ति की इस भावना को जरूर डालना चाहिए। ये त्यौहार हम सब भारतवासियों को एकजुट होकर हमारी तमाम परेशानियों और परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है।